Welcome dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर AutoCAD आप उर्दू में step by step सीख रहे हैं. Students, आज के इस lesson में मैं आपको circle की details बताऊंगा, यानी कि circle के अंदर जो main option आती है जैसे 2 point, 3 point वगैरह, ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे use की जाती है. तो आई स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. मैं AutoCAD को डबल क्लिक करके उसको ओपन कर देता हूं. तो जब मेरे पास मेरा AutoCAD ओपन हो जाएगा, सबसे पहले मैं इसकी सेटिंग्स बना लूंगा हमेशा की तरह. यू एन एंटर करने से यूनिट्स, अब इसके अंदर इंजीनियरिंग और फिट्स और इंच. देखिए स्टूडेंट्स, ये काम आपको हर मरतबा करना होगा. डायमेंशन, इंजीनियरिंग, फिट्स और इंच, ओके और क्लोज कर दें. व्यू डिस्प्ले यूसीएस आइकन को आप प्रेजेंट कर लें. ये तमाम चीजें मैंने अपनी सेटिंग कर दी है. अब मैं कुछ यहां पर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर देता हूं. मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यहां पे अपने पास एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं. मैं सर्कल के अंदर गया. देखिए सर्कल में सबसे पहले कहता है सेंटर पॉइंट बताओ कौन सा है. आप इसे कहीं भी क्लिक कर दें, आपका सेंटर पॉइंट होता है. देन आपको कहता है रेडियस ऑफ सर्कल बताओ, आर या डायमीटर. तो रेडियस और डायमीटर में आपको पिछले लेसन में बता चुका था. अब देखना यह है इसके अंदर जो मजीद ऑप्शन है, जैसे 3P, 2P, TT, R10, 10 रेडियस, ये क्या चीजें हैं. तो ये चीजें आपको इधर से भी मिलेंगी. ड्रॉ के अंदर जाए, सर्कल के अंदर चल जाए. मैंने आपको सेंटर रेडियस भी बता चुका हूं, डायमीटर भी बता चुका हूं. अब देखते हैं 2 पॉइंट और 3 पॉइंट क्या चीजें हैं. देखें डियर स्टूडेंट्स, बाजू का हमारे पास 2 सर्कल होंगे, उनके मिड में हमें कोई सर्कल ड्रॉ करना होगा. तो अब उसके लिए अगर आप सर्कल के ऊपर क्लिक कर दो, आप इसे 1 पॉइंट दे देते हो और दूसरा पॉइंट दे दोगे, तो देखिए स्टूडेंट्स ये तो आपके पास बाहर हो जाएगा यहां से. अगर आप इसको पकड़कर छोटा करने की कोशिश करोगे तो फिर भी ये आपके पास काम ठीक तरह से कर नहीं पाएगा. तो अब इस काम के लिए क्या किया जाता है, आप या तो सर्कल के ऊपर क्लिक कर दें और यहां से 2P एंटर कर दें. ऐसा नहीं करना चाहते, आप ड्रॉ के अंदर चले जाएं, सर्कल के अंदर चले जाएं और आपके पास ऑप्शन क्या है, 2P 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स के ऊपर आ जाए, इसको 1 पॉइंट डिफाइन करें और दूसरे पॉइंट के ऊपर क्लिक करें. देखें मिडिल में आपके पास सर्कल बड़ी आसानी से ड्रॉ कर आपके सामने आ चुका है. इसी तरह से अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हो, मिसाल के तौर पे मैं सर्कल के अंदर गया हूं, मैंने 1 पॉइंट लगा दिया, मैंने दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया और मैंने तीसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया. अब इन तीनों के बीच में लगाना है तो आपके पास ऑप्शन क्या है, 3 पॉइंट्स. आप 1, 2 और आप इसे 3 पॉइंट्स दे दें. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पर इस चीज को गौर करें, जैसे मैंने यहां पर 3 पॉइंट्स दिए हैं तो मेरा ये वाला पॉइंट जो है ये सर्कल के मिडिल पे आ चुका है, यानी कि सर्कल के अंदर आ चुका है. अब जाहिर सी बात है ये तो हमारे पास गलत पॉइंट आ रहा है, क्योंकि मुझे तो इनके बीच में चाहिए था. तो आए मैं इसकी कॉपी ले लेता हूं तमाम चीजों की. मैं इधर आ जाता हूं, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं. अब देखिए ये काम कैसे होगा. इसके लिए आपको जाना होगा, वापस आप ड्रॉ के अंदर जाओ, आप सर्कल के अंदर चले जाएं. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 10 10 रेडियस. ये भी आपको बताता हूं क्या चीज है, उससे पहले देखते हैं 10 10 10. अब ये क्या चीज है, आप इधर आ जाए, इसको 1 पॉइंट दे दें, दूसरा पॉइंट दे दें, तीसरा दे दें. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास सेम सर्कल ऊपर है, जब आप इधर 3 पॉइंट्स लगाते हो तो ये इसके अंदर एडजस्टमेंट कर नहीं पाता. जबकि मेरे पास जो 10 10 रेडियस की ऑप्शन, 10 10 की जो ऑप्शन है, इसमें आपको जस्ट 3 मरतबा टेंजेंट करना है अपने ऑब्जेक्ट को, 3 मरतबा पॉइंट देंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी एडजस्टमेंट कर लेगा. इसी तरह से आपके पास बाजू का 2 खास पॉइंट होंगे, जैसे मेरे पास ये 2 पॉइंट है. मुझको कहा जाता है इन दोनों के बीच में 10 फिट्स का सर्कल ड्रॉ करें एग्जाम्पल के तौर पर. तो देखें मैं पॉइंट्स के अंदर गया, 2 पॉइंट, मैंने कहा 1 पॉइंट ये है, दूसरा ये है. अब 10 फिट इंटर करने से पहले ही मेरे पास मेरा सर्कल ड्रॉ हो चुका है, लेकिन मुझको यहां पर वैल्यू देनी है. तो उसके लिए क्या करेंगे, आप ड्रॉ के अंदर जाएं, आपके पास ऑप्शन आती है 10 10 रेडियस. तो आप 10 10 रेडियस के अंदर चले जाएं, इसमें आपको 1 पॉइंट देना होता है और दूसरा पॉइंट डिफाइन करना होता है. अब अगर यहां पर देता हूं 5 फिट्स तो ये क्या होगा, सर्कल आपके पास ड्रॉ होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है. अब यहां पर एक चीज का खास ख्याल रखा जाता है,
ऑप्शन देखें क्या है, कहता है टेन टेन रेडियस, यानी कि इसमें आपको रेडियस डिफाइन करना है। रेडियस से क्या मुराद है, आपको देखना है यहां से यहां क्या फासला आ रहा है। आप एलजेंड की तरह चले जाए, एक पॉइंट ये दे दें, दूसरा पॉइंट ये दे दें। मैं इसे डिम स्केल दे देता हूं तकरीबन 4 फिट्स का, और मैं अपडेट की पर चला गया। देखिए आपके पास कितना आ गया, यहां पर 15 फिट और 4 इंच की वैल्यू है। अब अगर आप ड्रॉ के अंदर जाएं, आप सर्कल के अंदर जाएं, आपके पास ऑप्शन आ जाती है टेन टेन रेडियस। आप इसको एक पॉइंट दोगे, आप इसको दूसरा पॉइंट दोगे, और अब क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू आ रही थी यहां पर कितनी आ रही थी, 15 फिट और समथिंग। अब मसला क्या होता है, जब आपके पास टोटल वैल्यू 15 और कुछ है, यानी कि उसका रेडियस जो आपके पास बन रहा है वो आपके पास तकरीबन तकरीबन मैं इसको 8 फिट्स कंसिडर करूंगा, क्योंकि 15 फिट्स और कुछ आ रहा था तो मुझे वो मालूम नहीं है। तो 8 फिट से अगर आप वैल्यू कम दोगे, जैसे मैं 7 फिट दे देता हूं, तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपके पास जो यहां का फासला है वो 15 फिट है, यानी कि अगर टोटल एरिया आपके पास 15 फिट है तो रेडियस उसका तकरीबन 7.5 से ऊपर होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर 8 फिट दे दूं तो देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास इजीली ये ड्रा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर 20 फिट दे दूं तो फिर क्या होगा, फिर भी आप इधर आ जाएं, एक पॉइंट दे दें, दूसरा पॉइंट दे दें, और 20 फिट की वैल्यू दे दें। और जैसे मैंने इसको 20 फिट की वैल्यू दी है, तो देखिए मेरे पास ये शेप ड्रा होकर आ चुकी है। फिर हम इसे ट्रिम कर देते हैं, तो मेरे पास ये शेप बनकर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास जो यूज था, मेरे पास मेरे सर्कल का यूज था, मैंने आपको बताया ड्रॉ के अंदर जाने के बाद हमारे पास ये तमाम ऑप्शंस कैसे यूज होती हैं। मजीद मालूमात और अपडेट्स के लिए प्लीज विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन प्रोवाइड जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको बकायदा तौर पर एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको दे दी जाती है। इसके अलावा आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं xpacademy@ymail.com, या आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारी हेल्पलाइन पर 03439017779। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए इजाजत चाहेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।